चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट बस। हाल ही में लावा ने लॉन्च किया है आयरिस प्रो 30 स्मार्टफोन। आयरिस प्रो 30 में डुअल सिम सपोर्ट है और इसमें मिलेगा एंड्रॉइड 4.2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम। फोन में 4.7 इंच HD IPS OGS डिस्प्ले है और मल्टीटास्किंग के लिए है 1.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर विद 1 GB रैम। फोटोज क्लिक करने के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। फोन के 4 GB बिल्ट इन स्टोरेज को 32 GB तक माइक्रो SD कार्ड के जरिए एक्सपेंड किया जा सकता है। आयरिस प्रो 30 जनवरी के तीसरे हफ्ते से आपके करीबी स्टोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा। लावा आयरिस प्रो 30 की कीमत है लगभग 16,000 रुपए। एप्पल ने इंडियन मार्केट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आईफोन 4 का 8 GB वर्जन दोबारा लॉन्च करने का सोचा है। रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल ने कदम अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे सैमसंग माइक्रोमैक्स को देखते हुए लिया है। एप्पल अपने इस पॉपुलर फोन को 15,000 रुपए की रेंज में दोबारा मार्केट में ला सकता है। अगर ये हुआ देन श्योरली कॉम्पिटिटर्स विल फेस द हीट। मोटोरोला इस मंथ एंड तक मोटो जी मार्केट में ला सकती है। कंपनी का कहना है कि ये फोन अफोर्डेबल लेकिन फुली फीचर्ड होगा। मोटो जी कई मार्केट्स में 2013 के आखिरी महीनों में लॉन्च किया गया था। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मोटो जी में आपको मिलेगी 4.5 इंच स्क्रीन विद 720 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, साथ ही 1.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर। मोटो जी में 1 GB रैम विद 8 GB एंड 16 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। कैमरा की बात करें तो रियर में दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट में मिलेगा आपको 1.3 मेगापिक्सल कैमरा। खास बात इस फोन की ये है कि इसमें मिलेगा एंड्रॉइड का लेटेस्ट OS किटकैट 4.2.2। कंपनी को मोटो जी से काफी उम्मीदें हैं। अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का जो है Q&A सेगमेंट। इसमें अलका पूछेंगी आपके भेजे हुए सवालों के जवाब फ्रॉम आर एक्सपर्ट रजत। तो चलिए जाने को शुरू करते हैं अपना फेवरेट सेगमेंट Q&A सेगमेंट। पहला सवाल आया है पीयूष का कोलकाता से और पीयूष एक टैबलेट लेना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं आईबस लाइट 3G और सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 के बीच में। तो रजत सबसे पहले इनको ये बता दीजिए कि इनके लिए कौन सा टैबलेट अच्छा रहेगा। पीयूष सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा दोनों ही काफी अलग अलग किस्म के टैबलेट्स हैं। आईबॉल में आपको वॉइस कॉलिंग की फीचर मिल रही है, उसमें ड्यूअल सिम है, जबकि जो गैलेक्सी टैब का आपने हमें ऑप्शन दिया है उसमें केवल वाईफाई है, उसमें आप सिम कार्ड डाल के कॉलिंग नहीं कर सकते। आईबॉल में एक 10.1 इंच का डिस्प्ले है जबकि सैमसंग में आपको एक 7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, तो साइज वाइज भी काफी अंतर है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आईबॉल में ज्यादा बेहतरीन स्पेक्स हैं, एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि सैमसंग में आपको एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर और एक 3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो मेरे को आपकी रिक्वायरमेंट कुछ समझ नहीं आ रही कि आप उसे वॉइस कॉलिंग के लिए यूज करेंगे या नहीं। अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो मैं इन दोनों के बजाय आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल का नेक्सस 7 लें, लेटेस्ट प्रोडक्ट है और उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलता रहेगा। उसका डिस्प्ले 1080p डिस्प्ले है, बहुत ही शार्प डिस्प्ले मिल रहा है उसमें और प्राइस के हिसाब से काफी बेहतरीन ऑप्शन है वो। तो अगर आपको वॉइस कॉलिंग करना है तो आप आईबॉल लीजिए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल का नेक्सस 7 लें। हमारा अगला सवाल आया है दिल्ली से अदिति का। अदिति माइक्रोमैक्स की फैन लगती हैं क्योंकि इन्होंने 3 फोन के चॉइसेस भेजे हैं, कैनवस 4, डूडल और मैग्नस, और ये जानना चाहती हैं रजत से कि इन तीनों फोन में से इनके लिए कौन सा बेहतर होगा। अगर आप हार्डकोर स्पेक्स की तरफ देखेंगे तो काफी सिमिलर लगेंगे ये प्रोडक्ट्स, लेकिन काफी ज्यादा अंतर भी है इनमें। कैनवस डूडल 2 में एक बड़ा डिस्प्ले है, तो अगर आपको फैबलेट चाहिए, एक बड़ा डिस्प्ले वाला चाहिए, तो इन तीनों में से वही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आपको कैनवस 4 लेना चाहिए, 1080p का डिस्प्ले मिल रहा है, लेटेस्ट OS भी है और साथ में उसके फीचर्स भी काफी बेहतरीन हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैनवस 4 या कैनवस डूडल 2 के बीच में देखिए, डिपेंडिंग कि आप किस स्क्रीन साइज से कंफर्टेबल हैं। हमारा अगला सवाल आया है देहरादून से हर्ष मेहता का। हर्ष 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि इस बजट में सबसे अच्छा फोन कौन सा रहेगा। तो रजत इनको सजेस्ट कर दीजिए। इसमें मैं 2 स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा, एक तो गूगल का नेक्सस 5 और दूसरा सैमसंग का गैलेक्सी नोट 2।
नेक्सस 5 उसमें आपको लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस मिलेगा, स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर है क्वालकॉम का, 2GB का रैम है और एक बहुत ही बढ़िया 1080p डिस्प्ले है। एक खासियत जो इस फोन के बारे में है वो ये है कि आपको इसके लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट सबसे पहले इसी फोन पे मिलेंगे। लेकिन इस फोन की दो शॉर्टकमिंग्स हैं, एक इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है और दूसरा इसकी बैटरी लाइफ उतनी कुछ खास नहीं है। अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा सैमसंग का गैलेक्सी नोट 2। हालांकि ये पुराना प्रोडक्ट है लेकिन काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है और मेरे को इसका जो स्टाइलिश फंक्शन है वो काफ़ी पसंद आता है। कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो इन दोनों फोन्स के बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं, दोनों ही आपके बजट में हैं। तो आई होप कि आपको आज का शो उतना ही पसंद आएगा जितने आपको हमारे प्रीवियस एपिसोड्स पसंद आते हैं। लेकिन हमारे साथ आप रहना चाहते हैं एकदम कनेक्टेड तो आप कर सकते हैं SMS। आपको करना ये है अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपना सवाल, सुझाव और नाम और साथ ही हमें भेज दीजिए 57575 पे। और साथ ही आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, मोबाइल्स एंड मोर के पेज पर आप अपना सवाल और सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं @ZBusiness के ट्विटर हैंडल पर। और हम आपसे मिलेंगे अब अगले हफ्ते विद लॉट्स मोर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल्स गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी। टिल देन बाय बाय।